है ये कोरोना जो है उसके फैलाव के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं, जो हमारे टीम्स हैं एक्सपर्ट्स की, माहिरीन की जो टीम्स हैं वो हमें मदद करती हैं ये देखने के लिए कि आगे हमें फैलाव कितना होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको देखते हुए आज भी बड़ा तफसीली जायज़ा लिया गया और जो इस वक्त सूरत हाल है, और मैं खुसूसी तौर पे कहूँगा कि जो पिछले दो तीन हफ्ते के अंदर हमें सूरत हाल नज़र आई ग्राउंड पे, तो जैसे वज़ीर आज़म ने जब ऐलान किया था अप्रैल में भी, जब उन्होंने बंदिशें कुछ कम की थी और उसके बाद मई में भी, तो वह हर दफ़ा यही ताकीद करते थे और एनसीसी ने भी यही कहा, एनसीओसी की तरफ से भी यही पैगाम जाता रहा कि जितने हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएंगे, जितना हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करेंगे, उतने ही कोरोना की वबा का फैलाव जो है वो काबू में रहेगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वबा के फैलाव में तेज़ी भी आ सकती है। और हमने बदकिस्मती से पिछले चंद हफ्तों में ये देखने में हमें आया भी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। जब से ये शुरू हुआ है, 26 फरवरी को पहला केस आया था और आज जून के वस्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना की गई तो हमें हमारे जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुंचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद उन लोगों की जो कोरोना का टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव केस आए, जिनको कोरोना का मर्ज हुआ। और फिर वही, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर जैसे हालात हैं इसके, क्योंकि मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा, ये मैं पेशन गोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर, जहाँ जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुँच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में हैं वस्त, जून के वस्त में खड़े में, उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। अब ये परेशानी की बात है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है, और ये वही बातें हैं जिनका पहले भी जिक्र किया गया था, जिसकी वज़ीर आज़म बार बार ताकीद भी करते रहे हैं, एनसीसी के प्लेटफॉर्म से तमाम वज़रा आला की तरफ से भी ये पैगाम जाता रहा है, और एनसीओसी भी जो है वो बार बार इसी पैगाम को दोहराती रही है। वो क्या चीज़ें हैं, पहले हम आपकी बात करते हैं, या उस आप में आप मुझे भी शामिल कर लें, पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बात करें कि एक इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, एक माशरती तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जो SOP बार बार SOP का जिक्र होता है, वो जाहिर है कुछ लोग पूछते भी, जहन में समझ में भी नहीं आती होगी कि SOP का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज़, ये मास्क पहनना। ये अभी जब मैंने आपसे बात शुरू की थी तो उस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ था, यहाँ पे भी क्योंकि सामने कोई नहीं है तो मैंने ज़रा नीचे कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज़ बात साफ सुनाई दे, लेकिन ये जैसे ख़त्म होगा तो मैं फिर पहन लूँगा। दुनिया में जो तहकीक हुई है उससे हमें ये पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है वबा की फैलाव को की रफ्तार में कमी करने का, और कुछ तहकीक ने तो ये यहाँ तक बताया है कि अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। इसीलिए मई के महीने के अंदर NCOC से गाइडलाइंस इशू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइन इशू की थी, जिसमें मास्क का पहनना उन मुकामात पर जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस जिनको कहा जाता है, जो ऐसे मुकामात जहाँ पे आवाम मौजूद होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, बाज़ारों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, वो उसकी उसके लिए कहा गया था कि अब ज़रूरी है। पहले उसकी
सिर्फ ये ताकीद थी कि अगर पहने तो अच्छा है, लेकिन मई के वस्त के अंदर इसको ज़रूरी करार दे दिया गया था और फिर ईद के बाद दोबारा इसको दोहराया भी गया। काफ़ी हद तक हमें लोग मास्क पहने हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन हमें कई अपने भाई बहन आज भी हमारे नज़र आते हैं जो बग़ैर मास्क के होते हैं। तो सबसे आसान तरीन तरीका, क्योंकि ज़्यादातर तो टाइम आपका जहाँ बैठेंगे, जहाँ आप काम करते हैं वो भी आपके साथी हैं, और जहाँ पर आप ज़िंदगी बसर करते हैं वो भी आपके प्यारे हैं, तो उनकी अगर आप दिफा करना चाहते हैं, अगर अपने लिए दिफा करना चाहते हैं, तो ये मास्क पहनना जो है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, समाजी फासला रखना। बार बार ताकीद की गई है कि एक जगह पे, भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। अगर एक जाना है बाहर, कारोबार करने के लिए जाना है, दफ्तर है आपका, फैक्ट्री है, दुकान है, कोई बस है जहाँ पर आप बैठे हुए, तो आपस में फासला रखना ज़रूरी है। और इसके लिए हुकूमत जो है वो बाकायदा गाइडलाइंस भी इशू कर चुकी है, और वो लोग जो कारोबार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी भी लगाई गई थी। और पिछले 10 दिन से तकरीबन आप देख रहे होंगे कि पहले तो सिर्फ वो आगाही की मुहिम चलाई गई थी, अब इंतज़ामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, और बेतहाशा केसेस के अंदर और उसकी तशहीर भी की जाती है, दुकानें भी बंद की गई हैं, मार्केट्स बंद की गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनके चलान भी हुए हैं। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी भी है, और इसको कहते हैं मॉरल जिम्मेदारी, यानी अखलाकी जिम्मेदारी भी है हुकूमत की कि अपने शहरियों की ज़िंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए। इसलिए ये बड़ी सादा सी चीज़ जिससे कारोबार ज़िंदगी भी चल सकता है, जिससे लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी पैदा हुई, परेशानी पैदा हुई, सिर्फ पाकिस्तान ही, तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने तो फिर भी बेहतर फैसले कर लिए, क्योंकि पहले दिन से वज़ीर आज़म को इसका एहसास था, तो हम तो फिर भी अपने गरीबों की और जो लोग सफ़ेद पोश जिनका रोज़गार छिन गया था उनकी कुछ मदद करने के अंदर कामयाब हुए। भारत जैसे मुल्कों के अंदर तो वो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो वो साथ साथ रोज़गार का पहिया चलाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी आमदनी से, अपने रोज़गार से महरूम ना हो, वो भी साथ चलता रहे, लेकिन साथ साथ लोगों की हिफाजत भी हो जाए। ये दो चीज़ें जो हैं ये बार बार आपसे ताकीद भी की गई है, और अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर इंतज़ामी कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है, और ये कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी। इसलिए नहीं कि हुकूमत किसी को तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि जैसे मैंने कहा ये अखलाकी आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल करें, उनका तहफ्फुज़ करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोगों से फिर कारोबार भी छिनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसका जो जाहिर है पहले भी जिस वक्त हमने ख़त्म किया था तो हमने ये कहा था कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, जिसको वो लॉकडाउन कहते थे, ये दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसी नतीजे पे पहुंची है जो हम कहते थे, ये मुमकिन ही नहीं है। तमाम दुनिया के अंदर ये जो लॉकडाउन से सारा सारा मुल्क बंद कर दिया जाए, उससे सारी दुनिया आगे निकल गई है, लेकिन हमने ये हाथ नहीं खड़े कर दिए थे तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपको एक बड़ा मुश्किल सा अंग्रेज़ी का नाम है, TTQ, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन। आसान सादा सी बात यह थी, जहां बीमारी का फैलाव ज्यादा होगा वहां पर जाके बंदिश लगाई जाएगी, जिसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। बड़ा एक साइंस की बुनियाद के ऊपर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर वो निज़ाम भी बनाया गया है, जिस निज़ाम को इस्तेमाल करते हुए सूबे जो हैं उनकी भी मदद की जा सके। और वो काम तो पहले से शुरू हो गया था, बहुत सारे लॉकडाउन्स, छोटे छोटे टारगेटेड क्लोजर किए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि वबा का फैलाव बढ़ा है, और मैं फिर ये कहूँगा कि इसलिए बढ़ा है कि हम, मैं और आप, वो हिफाजती तदाबीर नहीं उन पर अमल कर रहे जिनकी ताकीद की गई थी, इसलिए बदकिस्मती से वबा का फैलाव फैल भी बढ़ रहा है। इसलिए दोबारा लोगों की हिफाजत करने के लिए अब इंतज़ामी कार्रवाई इस सिलसिले के अंदर भी उसमें इजाफा किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को महफूज किया जा सके, और साथ ही साथ मैं फिर दोहराऊँगा, ताकि रोज़गार का पहिया भी लोगों का चलता रहे और लोग जो हैं वो और ज़्यादा भूख और अफलास की तरफ ना धकेले जाएं। इस्लामाबाद के अंदर हमने एक्शंस लिए थे, वो आपको जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है कि हमने यहाँ पर जो एक्शन लिए हैं, कल वज़ीर आज़म लाहौर गए हुए थे, वहाँ पर फैसला किया था, वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया था,
आज हमारी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ एनसीओसी की मीटिंग में थे, और आज हमने उनकी मदद के लिए जो हमारा यहाँ पे तजिया था उनके सामने रखा है, और मुझे जो हमारा जो फैसला हुआ था, आज शाम को पंजाब की हुकूमत जो है वो भी ऐलान करेगी कि किस तरीके से वो मुकाम जहाँ पर ज़्यादा फैलाव नज़र आ रहा है, शहरों के अंदर वो इलाके जहाँ बीमारी और वबा का फैलाव ज़्यादा नज़र आ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर वो इंतज़ामी कार्रवाई करके मुकामी तौर के ऊपर, जो आप कोई उसको टारगेटेड लॉकडाउन कहता है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन कहता है, जो भी आप लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करें, वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो 1200 से ज़्यादा ये छोटे छोटे मुकामी तो पहले एक्शन हो रहे थे, लेकिन अब ये ज़रा ज़्यादा बड़े इलाके में शुरू पंजाब में ये लाहौर से होगा, लेकिन हम यहाँ से तजिया करके मदद से इंशाल्लाह ताला कल जो है वो मज़ीद जो दूसरे बड़े शहर हैं लाहौर के सॉरी पंजाब के, पिंडी है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरात है, सरगोधा है, मुल्तान है और दूसरे शहर हैं, उन तमाम जो शहर हैं उनके भी हम पंजाब गवर्नमेंट की मुआवनत करेंगे कि वो निशानदेही करके और फिर यही इसी किस्म के एक्शन ले सकें, ताकि फिर वो वबा का फैलाव मैंने जो आपको शुरू में बताया था, जो अगर कोई हमने इस वक्त मज़ीद अहकामात ना दिए, मज़ीद इंतज़ामी कार्रवाई ना की, तो वो फैल सकता है, उसको रोका जा सके और इंशाल्लाह ताला रोका जाएगा। ये सब करते हुए साथ के साथ हमें पता है कि हम वबा का फैलाव को अगर कम भी कर देंगे, और ये दुनिया ने देखा है, आजकल अगर आप भारत की तरफ देखें, नज़र दौड़ाएं, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा एक सख्त जो है वो लॉकडाउन सारा मुल्क बंद कर दिया और बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया, कुछ घंटों के नोटिस पे, और लाखों लोग जो हैं वो बिल्कुल सड़कों पर आ गए और 100-100 मील, 200-200, 400-400 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा लोगों को। उसके बावजूद जिस वक्त वो ऐसी सूरत भूख और अफलास की हो गई, जहाँ बिल्कुल लोग लग रहे थे कि भूख की वजह से शायद ज़िंदगी से जान खो बैठेंगे, तो उन्होंने बंदिशें अपनी कम की हैं, उसके बावजूद उस वक्त बहुत बुरी हालत है भूख और अफलास की भारत के अंदर, तमाम दुनिया का मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, लेकिन आज अगर आप पिछले चंद दिनों का डेटा देखें तो एकदम से बड़ी तेज़ी से वहाँ पे भारत में अमवात का इजाफा भी हुआ है, और चाइना में आपने देखा जहाँ बिल्कुल एक वक्त पे लग रहा था कि काबू पा लिया गया है, बीजिंग के अंदर उनका दारुल हुकूमत जो है वहाँ पे दोबारा शुरू हो गया है। सो इसलिए वबा ने तो फैलना है, इसने चलना है आगे, सिर्फ उसके फैलाव की रफ्तार को हमने कंट्रोल में रखना है, ताकि हमारे सेहत का निज़ाम ना मफलूज हो सके, और बड़े शहरों के अंदर ख़ासतौर पर जो बड़े हस्पताल हैं वो शदीद दबाव का शिकार हुए भी हैं, इसलिए पहले से उसके ऊपर काम जारी था, जाहिर है पहले होमवर्क हुआ हुआ था, इसलिए अब हम ये करने की सिचुएशन में हैं, क्योंकि पहले से इक्विपमेंट खरीदा गया था, लोगों की जो मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पर, हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया था। तो जैसे हमने उस दिन ऐलान किया था, जून के आखिर तक 1000 बेड्स ऑक्सीजन वाले जो हैं वो, और जुलाई के आखिर तक कम से कम 2000, इस वक्त जो हमारे पास नंबर है वो 2150 तक पहुंच चुके हैं। हम वफाकी हुकूमत सूबों की मदद करेंगे, इन 2150 ऑक्सीजन के बेड्स जो हैं उनके अंदर इजाफा किया जाए। आपको अंदाज़ा देने के लिए कि इस वक्त तकरीबन 2000 के करीब लोग ज़रा 2000 से ज़्यादा पाकिस्तान भर में ऑक्सीजन बेड्स में हैं जो कोविड के कोरोना के शिकार हैं, तो उससे दुगनी जो है ये सिर्फ वफाक कर रहा है। जाहिर है सूबे जो हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अदा करेंगे बुनियादी तौर पर, तो हस्पताल के लेवल पर सूबे की जिम्मेदारी है, लेकिन वफाक जो है सूरत हाल को देखते हुए अपनी मदद करने के लिए खुद मैदान में। सिंध के अंदर 500 बेड्स का इजाफा होगा जी, खैबर पख्तूनख्वा 400, पंजाब 500, बलोचिस्तान 200, गिलगित बल्तिस्तान 40, आजाद जम्मू एंड कश्मीर 60, और इस्लामाबाद के अंदर 450 बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। ये मिला के 2150 बनते हैं। तो सेहत के निज़ाम को साथ साथ जो है तेज़ी से बढ़ाने का काम भी चल रहा है। दूसरे जैसे फैलाव चल रहा है कि इसकी बड़ी अहम चीज़ ये है कि जल्द से जल्द तशखीस की जा सके कि किसको बीमारी लगी है, तो टेस्टिंग का निज़ाम जो है उसको बढ़ाना जो है वो बहुत अहम है। आपने देखा हम शुरू हुए थे, हम 500 से भी कम टेस्ट करते थे उस वक्त दिन के अंदर, 2 हमारे पास सिर्फ लेबॉरेटरीज थी। आज सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 दिन से 30,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं, यानी 60 गुना से ज़्यादा इजाफा किया जा सकता है, किया जा चुका है। कैपेसिटी इससे भी ज़्यादा इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 45 से 50 हज़ार टेस्ट की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है। इसको हमने आज फैसला किया है, और ये एनसीओसी ने फैसला किया
कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1 लाख 1 लाख 10 हज़ार टेस्ट रोज़ाना किए जा सकें। क्योंकि ज़ाहिर है पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ निज़ाम है, हर लेबॉरेटरी 100% रोज़ाना नहीं कर सकती है अपनी, तो कोशिश ये होगी कि इस वक्त जो तकरीबन 30,000 टेस्ट हो रहे हैं, ये जुलाई के वस्त से लेके जुलाई के आखिर तक हम 1 लाख टेस्ट रोज़ाना से ऊपर जा सके। सो सेहत का निज़ाम भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहराऊँगा, अगर हम वबा के फैलाव को स्लो डाउन नहीं करेंगे तो ये कोई दुनिया का हेल्थ का निज़ाम जो है वो इसका मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने देखा, चाहे वो इटली हो, स्पेन हो, न्यूयॉर्क हो, बरतानिया हो, जहाँ दुनिया के बेहतरीन हेल्थ के निज़ाम है, वो भी मफलूज होकर रह गए थे। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है, और हम पहले से बोलते रहे कि क्या चीज़ हम देख के फैसला कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हेल्थ का निज़ाम हमारा मफलूज ना हो जाए। तो अभी तक हमने शुरू में, मैं दोबारा आखिर में चीज़ दोहराऊँगा, मार्च के वस्त से हमने ये सफ़र शुरू किया था, 26 फरवरी को पहला केस आया था पाकिस्तान में कोरोना का, मई के वस्त तक 2 महीने पाकिस्तानी कौम ने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छे तरीके से हम चलते रहे। उसके बाद थोड़ी डिसिप्लिन के अंदर, बल्कि थोड़ी नहीं, काफ़ी कमी हमें देखने में नज़र आई है। दोबारा आपसे ताकीद कर रहे हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए है। हम जो आपको पहले दिखाते थे, वज़ीर आज़म ने ऐलान करते हुए बार बार कहा कि देखो अगर नहीं करोगे, अगर आप एहतियात नहीं करोगे तो वबा फैल सकती है, तो आपने आज देखा वो सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं कर रहे थे, जब आप एहतियात नहीं करेंगे तो वबा तेज़ी से फैलेगी। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि जब हमारे इकदाम से वबा तेज़ी से फैल सकती है, इसका मतलब हमारे इख्तियार में, हमारे ही अपने इकदाम से वबा के फैलाव में कमी भी की जा सकती है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से पूरी कौम ने मिलकर मुकाबला किया है इसका, और आज भी हम उससे बहुत बेहतर हैं, जो हमने दुनिया के अंदर मनाजर देखे हैं, जो दुनिया के अंदर तबाही आई है, साथ मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला आपका निगेबान हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, वज़ीर मंसूबा बंदी असद उमर NCOC में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि आज के इजलास में भी कोरोना सूरतेहाल का तफसीली जायज़ा लिया गया है, और इस वक्त मुल्क में 1.5 लाख कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं, लेकिन अगर हालात यही रहे तो जून के आखिर तक मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुँचने का खदशा है, और माहरीन के मुताबिक जुलाई के आखिर तक इन केसेस की तादाद 10 लाख होने का खदशा है। आवाम से बार बार अपील की जा रही है कि एहतियाती तदबीर पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसके अलावा उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत मखसूस इलाकों के स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मुतालिक आज ऐलान करेगी, और स्मार्ट लॉकडाउन के दायरा कार को भी बढ़ाया जाएगा, और सेहत के निज़ाम को भी साथ साथ बढ़ाने का काम तेज़ी से जारी है।